जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग 2011 का इंग्लिश का एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसका और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं 2011 के। फ्रेश क्वेश्चन आज के वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, ए वर्ड्स फॉर्म यूजिंग सेंस ऑफ एट लाइन्स ईच विथ 11 सिलेबल्स इज नोन एज, क्या कहते हैं उसे? सेंजा, वैलिड, अटावा रिमा, राइम रॉयल। राइट आंसर इज ओटावा रिमा। एट लाइन्स है ना, तो एट लाइन्स का रहता है स्टैंजा, उस वर्ड जिसमें 11 सिलेबल्स रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ओटावा रिमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मैरी शैलीज फादर वॉज विलियम गॉडविन ए फेमस, वो क्या थे? फेमस मैरी शैली जो थे, शैली पी बी शैली जी की वाइफ, दैट इज मैरी शैली, उनके पापा जी का नाम था विलियम गॉडविन। ये एक फेमस क्या थे? फिजिशियन, स्पिरिचुअल लीडर, पोएट एंड सैटायरिस्ट, फिलोसोफर। ये एक फेमस क्या थे? फिलोसोफर थे। ठीक है, और शैली जो है पी बी शैली विलियम गॉडविन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हुए थे, ओके, उनके वर्क्स को लेकर। नेक्स्ट, हार्डीज व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस एलिजिमेट चाइल्ड इन द नॉवल? सॉरो, अब्राहम, पिटी, मॉर्निंग। एंड द राइट आंसर इज सॉरो। हार्डी जी का जो वर्क है व्हाट इज अ टेस, उसमें टेस का जो इलीगल बच्चा था उसका नाम क्या था? ठीक है, तो दैट वाज सॉरो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट मोटिवेट्स टेस टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट? तो टेस को क्या मोटिवेट मिला, किससे मोटिवेशन मिला कि वो एंजल से अपने पास्ट के बारे में बोले? टेस रियलाइजेस दैट एंजल वाज हैज नॉट रेड द लेटर शी हैज रिटन टू हिम। जॉन डाबियार्ड एडवाइजेस टेस टू टेल हिम एंजल एडमिट्स हिज सिंस टू टेस। ए मैन फ्रॉम पेंट्रीज रिकॉग्नाइजेस हर। द राइट आंसर इज एंजल एडमिट्स हिज सिंस टू टेस्ट। एंजल ने अपनी सारी जो गलती उसने की उसने एडमिट की टेस्ट के सामने, तब टेस्ट ने अपनी सारी पास्ट के बारे में बातें बताई एंजल को। ठीक है, नेक्स्ट, लिरिकल बैलेट्स कंप्राइजेस पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड। लिरिकल बैलेट्स में दो राइटर हैं, एक वर्ड्सवर्थ है और एक कौन है? कीथ स्टर्ली, कॉलेरिज बायरन। द राइट आंसर इज कॉलेरिज। इसमें टोटल 23 पोएम है लिरिकल बैलेट्स में। ठीक है, जिसमें से 19 जो है हमारे वर्ड्सवर्थ जी के हैं एंड 4 पोएम्स हमारे कॉलेरिज जी के हैं। ठीक है, और ये आया कब था? 1798। और इससे हमारी रोमांटिक पीरियड की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हुई थी तो कब तक हुई थी? 1798 से 1834 तक। ये हमारी रोमांटिक पीरियड है 1798 से 1834 तक। 1834 जो कि हमारे चार्ल्स रैमजी की मृत्यु का ईयर है। ठीक है, और इनके साथ ही रोमांटिक पीरियड फिनिश हो गई थी। ओके, नेक्स्ट, द टाउन मेंशन इन द पोयम लेडी ऑफ शैलॉट बाय टेनिसन इज। लेडी ऑफ शैलॉट जो है इसमें टाउन जो है कौन सा है टेनिसन जी के द्वारा लिखा गया? लंदन, यॉर्क, कैमलॉट, ऑक्सफोर्ड। द राइट आंसर इज कैमलॉट। तो शैलॉट को, जो लेडी ऑफ शैलॉट है उसे क्या किया था? बंदी बना दिया गया था। तो कौन से एक आइलैंड में? शैलॉट जो है आइलैंड है। ठीक है, तो ये आइलैंड जो है किसके सामने है? तो दैट इज कैमलॉट। कैमलॉट शहर के सामने जो आइलैंड है, और उस शहर कैमलॉट शहर के सामने में जो आइलैंड है दैट इज शैलॉट, वहाँ पे लेडी ऑफ लेडी को बंदी बना दिया गया था। ठीक है, उसे लेडी ऑफ शैलॉट कहते हैं। एंड उसे मीन्स उसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि वो मतलब बाहर देखे, नज़ारा ले सके। ओके, शी कैन ओनली सी व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन ए मिरर एज शी वर्क्स ऑन वीविंग ए मैजिकल वेव। ओके, तो खाली रिफ्लेक्शन से ही वो जस्ट देख सकती है, लेकिन बाहर उन्हें देखने की अलाउ मीन्स परमिशन नहीं है। ओके, तो ये ऐसा था हमारा पोएम लेडी ऑफ शैलॉट। ओके, नेक्स्ट, ये टेनिसन जी का वर्क है। ओके, व्हाट बी डेफिनेशन इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ ए सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड? कॉमेडी, एपिक, ट्रेजेडी, ड्रामा। एंड द राइट आंसर इज ट्रेजेडी। सीरियस होगा तो वो ट्रेजेडी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज आर्नल्ड टी एस एलियट ब्रैडली सेंसबरी। द राइट आंसर इज टी एस एलियट। एलियट जी का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ऐसे है, दैट इज ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ओके, नेक्स्ट, शेक्सपियरियंस प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेलर बाय टी एस एलियट इज। शेक्सपियरियंस प्ले में जिसमें आर्टिस्टिक फेलर बोल के एलियट जी ने कहा था वो कौन सा है? किंग लियर, ऑथिलो, हैमलेट, एज यू लाइक इट।
राइट आंसर इज हेमलेट। हेमलेट को केस लीजिए ने कहा था एक आर्टिस्टिक फेलर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका मिडिल नेम क्या था? चार्ल्स ली जॉन ऑगस्टस, एंड द राइट आंसर इज ली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मिडिल नेम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ओके, नेक्स्ट विच अमेरिकन प्रेसिडेंट इन्वाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू रिसाइट एट हिज इनॉग्रेशन सेरेमनी? जॉनसन, निक्सन, रूजवेल्ट, कैनेडी। कौन से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इन्वाइट किया था अपने फंक्शन में, इनॉग्रेशन सेरेमनी में, एक अपनी पोएम रिसाइट करने के लिए? सो दैट वाज कौन से प्रेसिडेंट का नाम है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट कौन है? एंड द राइट आंसर इज जेफ कैनेडी। इन्होंने बुलाया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अपनी पोएम बोलने के लिए, दैट इज टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। ठीक है, वुड्स का ये जो पोएम है उनका बहुत ही फेमस पोएम था जिसकी वजह से उन्हें इन्वाइट किया गया था स्पेशली। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव? क्या है राइट प्लेस? हेवन, अर्थ, एडन, पैराडाइज, एंड द राइट आंसर इज अर्थ। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का दिया गया लाइन है, ठीक है, जो कि बिर्चेस में आता है। ठीक है, बिर्चेस जो वर्क है उनका, उसका लाइन है ओपनिंग लाइन, दैट इज अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। नेक्स्ट द शिप इन वाइट मैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन रेफर्स टू, ये किसको रेफर करता है? डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, एंड द राइट आंसर इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को ये रेफर करता है वो कैप्टन माई कैप्टन, ये एलिजी है, ठीक है, जो कि हमारे अब्राहम लिंकन जी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट विच फेमस नॉवल बाय विलियम फॉकनर वॉज पब्लिश इन 1929 में कौन सा फॉकनर जी का नॉवल पब्लिश हुआ था? टाउन एंड फ्यूरी, मॉस्किटोज, सोल्जर्स प्ले, वाइट रोज ऑफ मेम्फिस। द राइट आंसर इज टाउन एंड फ्यूरी। टाउन एंड फ्यूरी इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि 1929 में पब्लिश हुआ था, और ये किसका वर्क है? फॉकनर जी का। ठीक है, फॉकनर जी को 1949 में नोबेल प्राइज मिला था। ओके, नेक्स्ट व्हेन डिड फॉकनर गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? अभी जस्ट मैंने आपको बताया 41, 49, 45, 38। राइट आंसर इज 1949। ओके, नेक्स्ट हु इज दैट डज व्हेन रिलैक्स लास्ट इन द डोरियार टोम कमेमोरेट? ये किसका किसके लिए, किसके एक एलर्जी है, सो किसकी डेथ पर है? लिंकन्स, जॉन ब्राउन, डोनाल्ड जैक्सन, द पोएट्स मदर्स। द राइट आंसर इज लिंकन। लिंकन जी का जो डेथ होने पर ये एलर्जी लिखा गया था फ्रॉस्ट व्हाइटमैन जी के द्वारा। ओके, एंड नाम क्या है? वैन लाइलेक्स लास्ट इन द डोरिया ड्रोम। ओके, ये हमारे व्हाइटमैन जी का लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट विच वट नॉवल गॉट हेमिंग्वेज रोल इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो क्या रोल था? कॉर्पोरल, मैराइन, फ्लाइट लेटेंट, एम्बुलेंस, एंड द राइट आंसर इज एम्बुलेंस। वो क्या थे? एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनका ये रोल था। किसका? हेमिंग्वे जी का। ओके, तो व्हाट नॉवल गॉट, तो कौन सी नॉवल? नॉवल वॉज एम्बुलेंस। नेक्स्ट विच नॉवल गॉट हेमिंग्वे द पुलित्ज़र प्राइज? पुलित्ज़र प्राइज कौन से नॉवल को मिला था? फेयरवेल टू आर्म्स, ओल्ड मैन एंड सी, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द सीज, द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। द राइट आंसर इज द ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी की वजह से उन्हें पुलित्ज़र प्राइज भी मिला था, एट द सेम टाइम उन्हें नॉबल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, 1954 में। ओके, नेक्स्ट नेम द ऑथर ऑफ द एसे नाइफल्स इंडिया एंड माइन? डॉम मोरिस, निसिम इज़िकाइल, सलमान रश्दी, विक्रम सेठ। द राइट आंसर इज निसिम इज़िकाइल। निसिम इज़िकाइल जी का ये एसे है नाइफल्स इंडिया एंड माइन। ओके, और इसका ऑथर कौन है? निसिम इज़िकाइल। ओके, ये हमारे इंडियन राइटर है। ओके, नेक्स्ट निसिम इज़िकाइल बिलोंग टू विच कम्युनिटी? क्रिश्चियन, पारसी, जीविस, मुस्लिम, वो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? तो दैट इज जीविस, जीविस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय कमला दास? समर इन कलकत्ता, डांस ऑफ यूनिक्स, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, कृष्णा। राइट आंसर इज नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन किसका है? निसिम इज़िकाइल का है। इन बाकी के तीनों हमारे कमला दास जी का वर्क है। ओके, नेक्स्ट व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंग्वे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? हेमिंग्वे जी को कब मिला था? अभी जैसे मैंने आपको बताया था 31, 37, 45, 54। द राइट आंसर इज 1954। ओल्ड मैन एंड सी की वजह से हेमिंग्वे जी को नोबेल प्राइज मिला था 1954 में। नेक्स्ट व्हाट इज द मेजर सिंबल इन वाइट मैन सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ? इसमें कौन सा उन्होंने सिंबल दिया है? ओशियन, बर्ड, टॉमस्टोन, ग्रास। द राइट आंसर इज ग्रास। ग्रास उनका मेजर सिंबल रहा है सॉन्ग्स ऑफ माइसेल्फ में। ओके, नेक्स्ट विच अमेरिकन राइटर वॉज द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन व्हाइट मैन? व्हाइट मैन जी का
किस पे ज़्यादा असर पड़ा था, किसका असर ज़्यादा वाइटमैन पे पड़ा था, थॉरियो कूपर हॉथन इमर्शन? द राइट आंसर इज इमर्शन। इमर्शन जो थे ही वॉज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन वाइटमैन। ठीक है, नेक्स्ट द ऑथर ऑफ माई स्टोरीज, माई स्टोरी का ऑथर कौन है? रस्किन, कमला दास, अमिताभ घोष, नायपुल? द राइट आंसर इज कमला दास। कमला दास जी का ऑटोबायोग्राफी है जो कि माई स्टोरी है। ठीक है, नेक्स्ट द ऑथर ऑफ एसिजोविलिया, इसका एसिजोविलिया का ऑथर कौन है? बैकन, हेजलिट, चार्ल्स लैम, एचजी वेल्स? एंड द राइट आंसर इज चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम जी हमारे एसिजोविलिया के ऑथर हैं और इसीलिए इन्हें प्रिंस ऑफ एसेस भी कहा जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस पब्लिश हुआ था 1823 में। ठीक है, नेक्स्ट मुल्कराज आनंद डाइड इन द ईयर, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 2005, 2003, 2004, 2002? राइट आंसर इज 2004। 2004 में मुल्कराज आनंद जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद जी कौन से इसमें से वर्क नहीं है? प्राइवेट लाइफ एंड ऑफ इंडियन प्रिंस, कूली, कांथापुरा, टू लिव्स एंड ए बर्ड? एंड द राइट आंसर इज कांथापुरा। तीनों के तीनों हमारे मुल्कराज आनंद जी का ही वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट हु रोट द फॉरवर्ड ऑफ आनंद नॉवल अनटचेबल, इसका फॉरवर्ड किसने लिखा था? एम फोर्स्टर, किपलिंग, नारायणा, ग्राहम ग्रीन? एंड द राइट आंसर इज एम फोर्स्टर। एम फोर्स्टर जी ने इसका स्टार्टिंग फॉरवर्ड जो होता है अनटचेबल का लिखा था। किसने लिखा था? फॉर्स्टर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है, द आइडिया दैट द गॉड गुड आर रिवॉर्डेड एंड इविल पनिश्ड इज इन टर्म, इसे क्या ये जो आइडिया है कि अच्छे को रिवार्ड मिलना चाहिए और जो गलत करते हैं उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसे क्या कहना चाहिए? डिवाइन जस्टिस, जूरिसप्रूडेंस, पोएटिक जस्टिस, नन ऑफ द अबव? राइट आंसर इज पोएटिक जस्टिस। ठीक है, पोएटिक जस्टिस। ठीक है, तो हमारे वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो। एंड अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।